हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रास होपर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हिंदी में कहेंगे टिड्डे की बाह्य आकृति। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रास होपर। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी वाल। बॉडी वाल किसे कहते हैं? शरीर के बाह्य आवरण को बॉडी वॉल कहते हैं। यह आवरण कठोर कंकाल का बना होता है। शरीर का जो बाहरी आवरण होता है उसे बाह्य आवरण कहते हैं। यह कठोर कंकाल का बना होता है जिसके अंदर शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। जिसके अंदर शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। बॉडी वॉल 3 परतों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, तो जो बॉडी वॉल है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है, क्यूटिकला, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्यूटिकला के बारे में। क्यूटिकला किसे कहते हैं? यह एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है जो हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है। जैसे जो क्यूटिकला या हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है और यह प्राय निर्जीव पदार्थ माने जाते हैं। यह प्रोटीन काइटिन से मिलकर बनती है। क्यूटिकला 3 परतों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, यह जो क्यूटिकला है एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है जो हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, ये हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है और यह प्राय निर्जीव माने जाते हैं। यह प्रोटीन और काइटिन से मिलकर बनी होती है। क्यूटिकला भी दोस्तों 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहला एपी क्यूटिकला, यह क्यूटिकला की सबसे बाहरी परत होती है जो पतली परंतु सख्त होती है। पहला ईपी क्यूटिकला, यह क्यूटिकला की सबसे बाहरी परत होती है जो कि पतली परंतु सख्त होती है। इसके बाद दूसरा एक्सो क्यूटिकला, यह ईपी क्यूटिकला के ठीक नीचे स्थित लेयर को एक्सो क्यूटिकला कहा जाता है जो कि प्रोटीन अथवा काइटिन की बनी होती है। दोस्तों, इसी एक्सो क्यूटिकला कहेंगे जो ईपी क्यूटिकला के ठीक नीचे बनती है। तीसरा इंडो क्यूटिकला, यह क्यूटिकल की अंतिम तथा निचली परत होती है जो एक्सो क्यूटिकला की तरफ प्रोटीन तथा काइटिन की बनी होती है। आप दोस्तों देख लेते हैं क्यूटिकला के कार्य। क्यूटिकला कार्य निम्न है। पहला देखते हैं, यह कीटों के बदन को वास्तविक रूप में बनाए रखता है। यह कीटों के शरीर को दोस्तों वास्तविक रूप में बनाए रखता है। अगला, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो दोस्तों शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है क्यूटिकला। क्यूटिकला दोस्तों शरीर का सबसे बाहरी आवरण होता है और उसके अंदर जो भी दोस्तों शरीर के अंग होते हैं उन सबकी रक्षा करता है। तीसरा पॉइंट, कीटों के शरीर को पानी से उड़ने से बचाता है। तो कीटों के शरीर से पानी को उड़ने को बचाता है दोस्तों क्यूटिकला। चौथा पॉइंट, शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी का निर्माण करता है। अगला, मोल्टिंग में सहायक होता है। क्यूटिकला मोल्टिंग में सहायक होता है। और लास्ट वाला है मोल्टिंग, कीटों के विकास से संपूर्ण क्यूटिकला गिर जाती है जिसे निर्मोचन या विमोचन कहते हैं। दोस्तों, जो क्यूटिकला होती है, जैसे दोस्तों सांप होता है हम लोग गाँव में देखते होंगे, तो वह अपना क्यूटिकल दोस्तों जिसे गाँव में केचुल कहते हैं उसे छोड़ देता है। तो दोस्तों वही क्यूटिकला है। जब उसका आकार बढ़ता है तो क्यूटिकला का आकार छोटा होने लगता है जिससे वह उसमें नहीं आ पाता दोस्तों, वह उसे निर्मोचन या विमोचन करता है, मतलब क्यूटिकला गिर जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं हाइपोडर्मिस। क्यूटिकला के नीचे स्तंभी कोशिकाओं की एक हरी परत होती है जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। तो जो क्यूटिकला होता है, क्यूटिकला के ठीक नीचे एक हरी परत होती है जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं में रूपांतरित होती है जिसे त्वक ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा त्वक ग्रंथि, कभी कभी पूछ लेता है त्वक ग्रंथि किसे कहते हैं। तो क्यूटिकला के ठीक नीचे अस्तंभी कोशिकाओं की एक हरी परत होती है जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं जिसे त्वक ग्रंथि कहा जाता है। अब देख लेते हैं हाइपोडर्मिस के कार्य। हाइपोडर्मिस दोस्तों क्यूटिकल का निर्माण करता है। इपिडर्मिस ग्रंथियों के रूप का रूप ले लेता है। हाइपोडर्मिस क्यूटिकल का निर्माण करता है और इपिडर्मिस ग्रंथियों का रूप ले लेता है। पहला दोस्तों लार ग्रंथ, पहला लार ग्रंथि, दूसरा दोस्तों निर्मोचन ग्रंथियां, तीसरा विष ग्रंथियां, चौथा इतर ग्रंथियां, पांचवा मोम ग्रंथियां और दोस्तों छठवां है रेशम ग्रंथियां, सातवां लुआब ग्रंथियां, आठवां लाख ग्रंथियां, नवा दोस्तों उत्सर्जन ग्रंथियां और दसवां प्रतिकर्षण ग्रंथियां। तो दोस्तों ईपीडर्मिस द्वारा कुल 10
प्रमुख ग्रंथियां बनती हैं। पहला लार ग्रंथि, दूसरा निर्मोचन ग्रंथि, तीसरा विष ग्रंथि, चौथा इतर ग्रंथि, पांचवा मोम ग्रंथि, छठवां रेशम ग्रंथि, सातवां लुआव ग्रंथि और आठवां लाग ग्रंथि, नवां उत्सर्जन ग्रंथि और दसवां प्रतिकर्षण ग्रंथि। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इससे आगे दोस्तों, एक तीसरा बच्चा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस की सीमांत कोशिकाओं के भीतरी सिरे आधारित झिल्ली से जुड़े रहते हैं। यह झिल्ली पतली तथा अंपोषी होती है। दोस्तों जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं एपिडर्मिस की सीमांत कोशिकाओं के भीतरी सिरे के आधारित झिल्ली से जुड़े रहते हैं और यह झिल्ली पतली तथा अंपोषी होती है। तो दोस्तों इतना ही रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसके बाद देखते हैं बॉडी रिएजेंट, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉडी रिएजेंट। तो अडल्ट कीट का शरीर तीन भागों में बांटा जाता है। अडल्ट मतलब दोस्तों प्रौढ़ कीट। प्रौढ़ कीट का शरीर तीन भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो दोस्तों जिसमें से मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक वीडियो में हेड के बारे में बताऊंगा, एक वीडियो में थोरेक्स के बारे में और एक वीडियो में एब्डोमेन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।